खबरों की नई पहचान। केनियस के सह प्रायोजक है श्री अर्चना ज्वेलर्स होलमार्क, आपके विश्वास हमारी होलमार्क। एक बार जरूर पधारे श्री अर्चना ज्वेलर्स होलमार्क निरसा बाजार। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर धनबाद के मोहलवनी घाट पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। आपको बता दें कि धनबाद के सबसे बड़े शमशान घाट के रूप में जाना जाता है धनबाद का मोहलवनी घाट। हर साल यहां लाखों लोग आते हैं और स्नान कर अपनी श्रद्धा को पूरा करते हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही यहाँ हजारों श्रद्धालु नदी में नहाकर भगवान को प्रणाम करते हैं। वहीं इस बार नदी में पानी नहीं होने के कारण हजारों लोग नदी के बीचों बीच जाकर स्नान किए। वहीं मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान के रूप में भी जाना जाता है। इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा की संज्ञान इसीलिए दी गई है क्योंकि आज ही के दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक महाभयानक असुर का अंत किया था और वे त्रिपुरारी के रूप में पूजित हुए थे। क्या नाम है आपका? कल्याणी देवी। कहाँ से हैं? हम लोग जेल गोरा से हैं। हम लोग छठ पूजा करते हैं, कार्तिक नहाना चाहिए, कार्तिक नहाने से बोलता है मोक्ष प्राप्त होता है, इसलिए आते हैं। हाँ, लोग का कार्तिक पूर्णिमा नहाना बहुत जरूरी है। हम लोग को पूर्णिमा बहुत महत्व है हिंदू धर्म में, क्योंकि एक महीना जो हम लोग का पुण्य मानते हैं सबसे अच्छा हम लोग का हिंदू धर्म में है। इससे घर सुख शांति, बाल बच्चे के सेहत का अच्छा, पढ़ाई लिखाई अच्छा हो। हम लोग हिंदू में छठ के बाद ये नहान स्नान बहुत जरूरी है। जो भी मतलब बाहर भी जा सकते पर हम लोग को यहाँ घाट है सामने तो हम लोग यही स्नान करने आते हैं। भगवान से है सोमा से जमाडोबा भगवान सबका दुख कष्ट दूर कर दे, अच्छा से सबका रखेगा, सुख समृद्धि सबका बना रहेगा। पिंकी पुरा माने पिंकी जी कहाँ से आया? हम जमाडोबा से। आज कार्तिक पूर्णिमा है, क्यों आज के दिन लोग स्नान करने आते हैं नदियों में, गंगा में? अच्छा, आज कार्तिक पूर्णिमा है ना, तो कार्तिक मास अति पवित्र मास है और ये कार्तिक मास मान मनाना है और ये छठ पूजार पर जरा छठ पूजा करें तारा ये कार्तिक मासे स्नान कर ले, गंगा चान कर ले, ते अति पवित्र मन करा है। हरिशंकर मिश्रा है। आपका बाबा जी क्या नाम है? हरिशंकर मिश्रा। हरिशंकर मिश्रा जी, आज के दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करना क्यों जरूरी है? ये जो है कार्तिक पूर्णिमा पुण्यात्मक दिन होता है, पुण्यात्मक दिन में जो स्नान करता है, दान पुण्य करता है, उसको मोक्ष मिलता है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को बहुत मन पुण्यात्मक पूर्णिमा माना जाता है। हर महीना में पूर्णिया आता है लेकिन कार्तिक पूर्णिमा जो है पुण्यात्मक दिन है, जिसमें नहाने से पाप मन धुल जाता है, हर कर्म अपना करता है मनुष्य, अपना दान पुण्य करता है, स्वच्छता होता है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? ये कौन सा घाट है? ये मोहलवनी घाट है, दामोदर घाट है। यहाँ बहुत दूर दूर धनबाद सिंदरी हर जगह से लोग आते हैं और स्नान करके जाते हैं इस हर पूर्णिया में। है प्रतिमा जी कहाँ से? आज यहाँ लोगों के लोग नहाने आए हैं, क्यों आए? कार्तिक पूर्णिमा को लेकर, आज कार्तिक पूर्णिमा है ना, तो आज कार्तिक पूर्णिमा महत्व है तो इसीलिए स्नान करने आए हैं। रीता देवी, आज के दिन जो लोग नहाते हैं उसका क्या महत्व है? कार्तिक पूर्णिमा है, यही है कि साल भर में कार्तिक पूर्णिमा होता है, नहाना जरूरी है, छठ व्रत करता है तो नहाना है। ठीक। क्या नाम है? मेरा नाम सोनिया विश्वकर्मा है। ये तो हम मोहलवनी घाट है, वहीं पर हम लोग नहाना, हम लोग मने टाण से आए हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा है तो बस इसलिए नहा। मेरा नाम सुमन जी देवी हुआ। हाँ, हम लोग का नियम आ रहा है कि छठ पूजा जो भी करती है या नहीं, वे सब यहाँ नहाने से अपना पुण्य का कुछ जो पाप लोग करता है वो सब यहाँ कुछ होता है, इसीलिए हम लोग आते हैं साल में एक बार। अच्छा, जरूरी है नहाना? एकदम जरूरी है। अब जो नहीं नहाएगा उसको क्या।